फ्रेंड्स, आज मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें जो भारत की ये सिस्टम है इसमें किस तरह से जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव किस तरह से इसमें अपना काम कर रही है। भारत के संविधान में इन तीनों को अलग अलग बनाया गया है, जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव जो पीएम है, पीएम और सीएम है स्टेट में, और लेजिस्लेचर जो व्यवस्थापिका है, जो पार्लियामेंट है और स्टेट में स्टेट असेंबलीज है, ये किस तरह से अपना एक दूसरे से सांठ गांठ किए हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले विधानसभा के जो अध्यक्ष थे कर्नाटक के, उन्होंने 17 एमएलए को पूरे सेशन तक के लिए, अगले 5 साल पूरे सेशन तक के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिया। उन्होंने बगावत की, रिजाइन कर दिया बीजेपी के पैसे के लालच में आके, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं माना और उसको क्लियर कहा कि ये तुम्हारा कोई रीजन नहीं बनता रिजाइन करने का, और इसमें वो है गड़बड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल इस फैसले को उलट दिया और उनकी जो डिस्क्वालिफाई किया था उनको 5 साल तक के लिए, उसके वो डिस्क्वालिफिकेशन वो खत्म कर दी। और आज का डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी उन 17 एमएलए को, फॉर्मर एमएलए को, अब उनको बीजेपी में शामिल करना कराने वाली है, कल करा रही है। और ये 15 एमएलए अब जो इलेक्शन होना है ये 5 दिसंबर को 15 सीटों के लिए, उसमें कैंडिडेट होंगे इसके बीजेपी के। इसको क्या कहा जाए, लोकतंत्र का मजाक कहा जाए? बीजेपी ने 2007 में भी ऐसा ही किया था, अपनी पार्टी के उन्हें जो दूसरी पार्टी के एमएलए थे उनको रिजाइन करा के और फिर अपना अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, तब भी उनकी मेजोरिटी नहीं मिली थी। अभी आपको, आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले एक टेप आया था जिसमें ये दुरप्पा का, जिसमें वो वायरल हुआ था कि वो कहते दिख रहे हैं कि अमित शाह ने इसको अपना तोड़वाया है, सारे सरकार को। तो भारत के इसमें किसके ऊपर हम विश्वास करें? न्यायपालिका पे विश्वास करें, एग्जीक्यूटिव पे विश्वास करें, व्यवस्थापिका पे विश्वास करें? सारा का सारा सिस्टम ही इस तरह का बन गया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो तो सबको सम्मान है उसका, लेकिन मेन चीज ये है कि पार्टियां किस तरह से एक दूसरे को तोड़ती हैं और अपना इस तरह से अपना ये अपनी गवर्नमेंट बना रही है, जो कि बीजेपी तो अब से 12 साल पहले भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था। अपोजिशन पार्टी का तोड़वाया एमएलए, उनको रिजाइन कराया और फिर अपना अपना बहुमत दिखा दिया। कब तक ये लोकतंत्र का इसका ये नौटंकी चलती रहेगी? आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।